सेवन इंग्लिश चैप्टर वन। पहले मैंने जब वीडियो पहले वीडियो में मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी फॉक्स और रैबिट के बारे में, तो आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। आप लोग भी ये क्वेश्चन आंसर रीड करके फिर अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने का और वर्कबुक में भी लिखने का होमवर्क में। और अभी मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय द बार्गिंग ऑफ द फॉक्स इन द स्टोरी। तो इसका मतलब है कि स्टोरी में जो फॉक्स बार्गिंग करता था उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि इन द स्टोरी द फॉक्स ऑफ बार्गिंग मीन्स इट वॉज टॉकिंग सो प्राउडली व्हाट अबाउट द क्लेवरनेस। इसका मतलब है कि फॉक्स था वो अपने होशियारी के बारे में बड़े गर्व से बोलता था। व्हाट डज द फॉक्स ट्राई टू टीच द रैबिट। फॉक्स रैबिट को क्या सिखाने का ट्राई कर रहा था। तो फॉक्स ट्राई टू टीच द रैबिट सो मेनी वेज ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द एनिमीज। तो फॉक्स क्या सिखा रहा था रैबिट को कि अपने दुश्मन से बचने के कई रास्ते बता रहा था। What did the rabbit tell about his only one idea? So the rabbit told that he has only one idea, but his works well. तो उसके आंसर में रैबिट ने बोला कि मेरे पास तो एक ही आइडिया है लेकिन वो मेरा आइडिया बरोबर काम करता है। What was the fox doing when the hunter caught him up? तो जब हंटर ने शिकारी ने फॉक्स को पकड़ लिया तो फॉक्स क्या कर रहा था। द फॉक्स वॉज थिंकिंग ऑल हिज क्लेवर वेज व्हेन द हंटर कॉट हिम अप। जब हंटर ने शिकारी ने फॉक्स को पकड़ लिया तब फॉक्स अपने जो रास्ते थे दुश्मन से बचने के वो उसके बारे में सोच रहा था। थैंक यू।